ओमिक्रॉन वापस आ गया, फिर से लॉकडाउन लॉकडाउन हो रहा है, देखो क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। भुंज के अच्छे सा इसमें हम डाल देंगे टमाटर। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है सैटरडे, अभी मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ और फेस वॉश वगैरह करके चेंज करके जस्ट बैठी थी, तो मैंने सोचा कि आज मैंने 1 वीक हो गया समथिंग मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था, तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा ब्लॉग शूट करते हैं आज, क्योंकि कल तो संडे है, कल करेंगे कुछ। तो बस जस्ट मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है और अभी मैं बस आके बैठी हूँ, अभी मैंने पानी भी नहीं पिया है। और मैं आज सब्ज़ी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लेकर आया, तो मैंने ले लिया गाजर और मटर। अब मैं सोच रही हूँ इसका मैं बनाऊँ क्या तो भी फ़िलहाल मैं रास्ते भर सोचते हुए आई हूँ और मैं सोच रही हूँ बना लूँ मटर गाजर की सब्ज़ी। तो और बना लेते हैं चाय, करते हैं चाय नाश्ता और फिर बाद में बनाएंगे खाना। तो आज हम खाने में बनाएंगे मटर और गाजर की सब्ज़ी। वैसे तो काफ़ी दिनों के बाद बनाने जा रही हूँ, अच्छी बनती है सब्ज़ी। और सोचा था पनीर भी ले लेंगे बट फिर नहीं लिया पनीर अभी फ़िलहाल इतनी ही चीज़ें हैं, मैं इनमें से बनाती हूँ। तो चलो पहले बना लेते हैं चाय और करते हैं चाय नाश्ता, फिर बाद में बनाएंगे आलू मटर की सब्ज़ी। अभी यहाँ पर मैं मटर के दाने निकाल रही हूँ। कौन कौन खाता है ऐसे मटर छिलते वक्त, नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। और ऐसे कितने लोग हैं जो बड़ी शराफत के साथ मटर छील के सारे दाने निकाल के रख देते हैं बिना एक भी मटर का दाना खाए, मुझे कमेंट में वो ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो मटर छीलती हूँ तो खाती हूँ, अगर मटर के दाने छिले हुए रखे तो भी उसमें से भी इधर उधर से आके घूम के मैं खा ज़रूर लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मटर छील रहे हैं और उसके बाद गाजर छील के काट लेंगे। मैं समझ में नहीं आ रहा इसमें और भी क्या एक्सपेरिमेंट करूँ, उसमें और क्या डालूँ, किस तरह से बनाओ, तो अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, पकाते हैं देखते हैं क्या बन जाता है तो ये मटर निकाल के रख लिए है, गाजर भी छील के काट ली थी, दो वो के रख लिया है। और अब ना बनाने के टाइम पे अब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं सब्ज़ी रोटी बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि दलिया रखी हुई थोड़ी सी, तो क्यों ना फटाफट से दलिया बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगा। सडनली चेंज हो गया क्योंकि अभी बज गया है 10:15। एक्चुअली थोड़ा रील्स अपलोड करने लगी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के लिए देख रही थी, कुछ वीडियोस मैंने बनाए ही नहीं तो मैं अपलोड नहीं कर पाई यूट्यूब पे, और फिर मैंने इंस्टा पे ही अपलोड कर दिया और 2-4 इंस्टा के वीडियोस भी क्रिएट करने लग गई, तो बहुत टाइम लग गया। और अभी जस्ट और जो बाकी का गाजर रखा था मैंने वो भी छील लिया है, साफ़ कर लिया, उसके चक्कर में देर हो गया। और फिर यहाँ पर मैंने निकाल ली है दलिया, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बना लूँ दलिया, क्योंकि दलिया जल्दी बन जाएगी और थोड़ा नए तरीके से दलिया बन जाएगी। तो अभी इसमें दलिया बनाएंगे, दलिया मटर गाजर टमाटर सब डाल के तीखा बनाते हैं और खाते हैं जल्दी वाला ये यहाँ पर ले ली है दलिया, इतनी सी बची हुई रखी है, मतलब है अच्छी खासी है। ये दलिया ले ली है और ये मटर और गाजर, बस फटाफट पक रहा है, मसाले भून जाए अच्छे से। बस ये भून गया अच्छे से, अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, अब इसको बंद करके ढक के रख देते हैं, थोड़ा सा सब्जियां गल जाए उसके बाद में फिर दलिया धो के डाल देते हैं, तो दलियों के साथ पक जाएगा। और अभी तो सुनने को आया ओमिक्रॉन वापस आ गया, फिर से लॉकडाउन लॉकडाउन हो रहा है, देखो क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तो मेरे यहाँ ऑफिस में कल सर ने पूरे में सबको बताया कि ऐसा ऐसा है और शायद फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, कंपनी बंद करनी पड़ेगी, अभी देखो क्या होता है। और आज ना मेरे सर क्या बोलते हैं कि लॉकडाउन होने वाला है, हालात ख़राब होते जा रहे हैं और अगर आप लोगों को गाँव जाना है तो आप लोग चले जाओ, 1-2 महीने के बाद वापस आ जाना, क्योंकि ये 1-2 महीने रहने वाला है और क्या करेंगे, काम होगा नहीं, अभी लास्ट कटिंग चल रहा है, उसके बाद में फिर काम नहीं रहेगा तो कारखाना बंद ही करना रहेगा। अब मुझे समझ में नहीं आया मैं उनको क्या आंसर करूँ, तो मैंने बोला ठीक है जब तक खुल रहा है तब तक आती हूँ, जिस दिन ताला लगेगा उस दिन से नहीं आएंगे तो बोलते हैं कि अच्छा मतलब ताला लगने का इंतज़ार करेगी, तो मेरे और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर मैं सडनली गाँव घर जाने का सोचती भी हूँ तो सडनली तो नहीं जा सकती ना, सडनली टिकट नहीं मिलेगा कैसे जाऊँगी, और 2 महीने के बाद
नहीं वो मैं नहीं बताऊँगी, वो सरप्राइज़ था, वो मेरा सरप्राइज़ भी ख़राब हो जाएगा। एक दो महीने के बाद का कुछ और भी प्लानिंग था और सारा प्लानिंग फिर मुझे चौपट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। सर ने ऐसा बोला तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, अगर ऐसा होगा तब देखेंगे क्या करना है। अगर बंद होगा कारखाना तो कोई बात नहीं, जब बंद होगा तब कि तब देखी जाएगी। जैसे सब घर बैठेंगे वैसे मैं भी बैठूंगी, और जाने का भी प्लानिंग करते हैं तो इतना सडनली थोड़ी प्लान हो जाएगा। अभी आपने बोला और मैं कल चली जाऊँ तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी ये वीक तो बोले अभी लास्ट कटिंग चल रहा है, वो लास्ट ही चलेगा, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो बस दुआ है कि भाई सब नॉर्मल रहे, क्योंकि बहुत टेंशन वाला काम है फिर से कोरोना ओमिक्रॉन और ये सब। अगर लॉकडाउन हुआ तो बहुत परेशानी होने वाली है। बस यही सब टेंशन है। आप लोगों को क्या लगता है लॉकडाउन होगा या नहीं होगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और मुझे क्या करना चाहिए, मैं गांव जाऊं वापस अपने घर या फिर इधर ही रुकूं? तो अभी फ़िलहाल चलो देखते हैं सब्ज़ी का क्या हाल है। क्योंकि टेंशन वाला काम तो स्टार्ट हो ही गया है। तो अभी गाजर थोड़ा गल गई है, मटर भी गल गया अच्छे से। गाजर गल गई है और देखो है सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें दलिया धो के डाल देते हैं। ये धो लिए दलिया और इसमें अब डाल देते हैं। अब इसको ज़्यादा सा पानी डाल के तो पकाना पड़ेगा, क्योंकि दलिया फूलेगी ना अभी तो फिर गाढ़ी हो जाएगी। अब इसको अच्छे से, दलिया को पकने में 10-15 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता। मैं ड्राई ही रखूँगी सब्ज़ी की तरह और फिर खाएंगे। तो बस हो रहा है, हो जाने दो। उसके बाद जब तक मैं सोच रही हूँ घर पे बात भी कर लूँ और ये पक भी जाएगा, फिर मिलते हैं आपसे घर पे बात करने के बाद। बन गया है हमारा दलिया और अभी मैंने घर पे बात भी कर चुकी हूँ, तो चलो देखते हैं दलिया के क्या हाल है। तो ये पक गया है, मुझे इतना ही गाढ़ा रखना था, मतलब ऐसा सूखा ही रखना था, तो मैंने ऐसा रखा है। अगर आपको थोड़ा पतला रखना है ना तो आप इसको थोड़ा पतला रख सकते हैं। और देखिए अच्छे से गाजर भी गल गई है, मटर भी गल गई है और दलिया भी गल गया। तो चलो निकाल लेते हैं और खाना खाते हैं। और मेरे पास ना नींबू नहीं है, अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू डाल के खाएं, बहुत मज़ा आता है। बस हो गया है रेडी और अब हम निकाल लेते हैं, चल के खाते हैं। और अभी मेरे पास तो ना तो नींबू है, ना धनिया है, ना पुदीना है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा बनाने का सोचा ही नहीं था तो मैं लेकर नहीं आई। और फिर ऐसे ही खाते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। ये हो गया रेडी हमारा दलिया। नींबू है नहीं, नींबू होता तो मज़ा आ जाती। खैर कोई बात नहीं। तो बस अब हम जा रहे हैं खाना खाने, खाना खाएंगे और उसके बाद में चाय रखी है, थोड़ी सी चाय पियेंगे फिर सो जाएंगे। तो बस ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये दलिया कैसी लगी। इससे पहले आप लोगों ने भी बनाई है क्या ऐसी दलिया, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।